वैसे तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसे हजारों साल पुराने इस विजयगढ़ किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किला चंद्रकांता किले के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बने रंग महल में एक जमाने में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। तो अलग अलग समय पर यहाँ पर बहुत से राजाओं ने निर्माण कार्य करवाया और अपने हिसाब से इस किले को बेहतर रूप देने की कोशिश की। तो कैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए इस 400 फुट ऊंचे किले की जगह को किसी जमाने में विजयगिरी नाम से जाना जाता था और यहाँ एक समय में ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। तो ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। विजयगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर मगध पड़ता है, जो कि मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था और जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा विजयगढ़ के इस किले पर गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश चैत सिंह का भी राज रहा था। लेकिन मैं बता देता हूँ कि साल 1888 यानी कि 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धि तो दिलाई ही थी, लेकिन साल 1994 से 1996 तक प्रसारित हिंदी सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पर ऐसी धाक जमाई थी कि विजयगढ़ का नाम सबकी जुबां पर छा गया। और फिर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच में चर्चा और रोमांच का विषय बन गई। इस किले के अंदर से ही एक गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया था और इन्हीं गुफाओं में खजाने के छिपे होने की संभावना भी अक्सर जताई जाती है। तो वीर गाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियों और तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ के किले के तार आस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ में यहाँ पर राम सागर तालाब है, जिसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है और भीषण गर्मी में भी इसमें कभी भी पानी नहीं सूखता है। श्रावण मास में इस तालाब से कावड़िये जल भरकर शिव द्वार में जलाभिषेक करने जाते हैं और यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में एक मेला भी आयोजित किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ में अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा के मजार पर दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। तो विजयगढ़ के इस किले को गंगा जमुनी तहजीब के प्रमाण के रूप में भी देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं हजारों साल पुराने तिलिस्म के खजाने से भरपूर आस्था, रहस्य और रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ के किले में, और इससे जुड़ा सारा इतिहास और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में मऊकला नाम के गांव में स्थित है, जो कि सोनभद्र यानी कि रॉबर्ट्सगंज से 30 किलोमीटर की दूरी पर और बनारस से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आप या तो अपने निजी वाहन से यहां पहुंच सकते हैं या फिर आप रॉबर्ट्सगंज से ही कैब या ऑटो को किराए पर लेकर यहां आ सकते हैं। तो जब आप यहां जाएंगे तो आपको शुरू में तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते दिखाई देंगे, जैसा कि धनरौल डैम से लगा हुआ ये रास्ता दिखाई दे रहा है और यहीं दूर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहाड़ी पर विजयगढ़ किला भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये रास्ता सकरा होता जाएगा और क्योंकि यहाँ आसपास में पूरा जंगल का इलाका है तो आपको इस प्रकार के रास्ते यहाँ नजर आएंगे। अगर आप गूगल मैप्स पर लोकेशन लगाकर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि फिलहाल में इसकी मार्किंग थोड़ी सी गलत है और एक जगह जंगल में ऐसी आती है जब आपको मैप्स ये बताएगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप बिना घबराए आगे चलते रहिएगा और थोड़ी ही देर में आप विजयगढ़ किले की सीढ़ियों के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस किले पर जाने के लिए 400 फुट की खड़ी चढ़ाई है, तो अगर आप बुजुर्ग या बच्चों के साथ यहां जाएंगे तो शायद आपको काफी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके साथ यहां जाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि सुबह के समय में जितना जल्दी हो सके आप यहां पहुंच जाएं, जिससे कि आपके पास पर्याप्त समय रहे और आप आसानी से ऊपर चढ़कर इस किले को पूरी तरीके से घूम सकें। वैसे तो साधारण तौर पर इस किले को घूमने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इस किले को घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो जब आप यहाँ पर चढ़ना शुरू करेंगे तो भले ही आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आपकी थकावट कब मिट जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा और इन्हीं नज़ारों को देखते हुए आप इस किले के प्रवेश द्वार तक भी पहुँच जाएंगे। तो ये है इस किले का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट,
और यहाँ ऐसा ही एक और प्रवेश द्वार किले के दूसरे छोर पर भी बना हुआ है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो दोनों दरवाजों में से किसी भी दरवाजे का इस्तेमाल कर आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस किले के अंदर लेकर चलता हूं और इससे जुड़ी सारी जानकारियां मैं आपको देता हूं। तो ये जो गेट हमने देखा ये अंदर से कुछ इस तरीके से नजर आता है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर में फोर्ट की डिफेंसिव वॉल यानी कि सुरक्षा दीवार का हिस्सा नजर आ रहा है। आइए आपको ये ऊपर चलकर दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, जो कि आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देंगी। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ऊपर में सैनिक खड़े होकर इस किले की निगरानी किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार के छेद भी नजर आएंगे जो कि हमने पहले भी कई किलों में देखे हैं। तो इनसे झांक कर सैनिक दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। तो आइए नीचे चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। तो इस किले का अधिकतर हिस्सा आपको खंडहर के रूप में ही नजर आएगा और ये जो सामने में आप कक्ष देख रहे हैं ये शायद किसी जमाने में सैनिकों के रहने का कक्ष हुआ करता था, क्योंकि ये सुरक्षा दीवार से एकदम लग कर बनाया गया है और ये दीवार किले के चारों ओर में आपको नजर आएगी। वो बात अलग है कि काफी जगह से ये टूटी भी हुई है, लेकिन वहाँ से भी आप कैमूर पर्वतमाला के नजारों का मजा तो ले ही सकते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए यहीं के पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी मजबूती का साफ पता लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ अभी भी आपको कहीं कहीं पर इस तरह के चट्टानों के हिस्से दिखाई देंगे और मुझे तो ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास वोडाफोन और एयरटेल के सिम कार्ड हैं और दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो आप ये मानकर चलिएगा कि शायद आपको भी यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ना मिल पाए। यहाँ किले में अगर छोटे बड़े सारे तालाब मिला लिए जाएं तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 तालाब बने हुए हैं। इनमें से राम सागर और मीरा सागर तालाब में कभी भी पानी नहीं सूखता है, भले ही यहाँ पर कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ जाए। तो ये सामने वाला तालाब जो आप देख रहे हैं ये है राम सागर तालाब। तो श्रावण के महीने में हर साल श्रद्धालु कांवड़िए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर शिव द्वार धाम तक की पवित्र कांवड़ यात्रा करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि पहले जब यहाँ लोग घूमने आते थे तो तालाब से बर्तन निकला करते थे, तो लोग उनमें खाना खाने के बाद उन्हें धोकर इसी तालाब में वापस छोड़ देते थे। और एक विचित्र बात इस तालाब के बारे में ये भी बताई जाती है कि इसकी गहराई कितनी है, इसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। तो ऐसा बताया जाता है कि इस किले के निर्माण से पहले ये जगह विजयगिरी पर्वत नाम से जानी जाती थी और ये पर्वत साधु महात्माओं का गढ़ हुआ करता था और शायद इसी वजह से आज भी आपको यहाँ पर साधु महात्मा पूजा अर्चना और हवन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि इस किले को महाभारत काल में प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा बनवाया गया था और यहीं पर मगर नरेश जरासंध को भी बंदी बनाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर गुप्त वंश का राज रहा था और फिर 6वीं शताब्दी से लेकर सन 1036 तक यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपने पैर जमा रखे थे। सन 1040 में इस किले का पुनर्निर्माण जादौन राजपूत राजा विजयपाल द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय में यानी कि 1556 से लेकर 1605 के बीच में विजयगढ़ का किला और इस इलाके के सभी किले मुगल वंश के नियंत्रण में आ गए थे, लेकिन बाद में काशी नरेश ने इस पर कब्जा जमा लिया था। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चैत सिंह थे और उन्होंने यहाँ पर तब तक शासन किया जब तक अंग्रेज यहाँ तक नहीं पहुँच गए। तो महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों तक का साक्षी ये विजयगढ़ का किला अपने साथ कई रहस्यों को समेटे हुए है। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है जिसको बोला जाता है उर्स। इस मेले में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग यहाँ पर आते हैं। इस किले में एक गणेश भगवान का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ किले के मेन गेट के पास में ही एक मजार भी है जो कि हजरत मीरान शाह बाबा के मजार के नाम से जानी जाती है, जहाँ दूर दूर से लोग चादर चढ़ाकर मन्नत मांगने आते हैं। तो इस किले से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इसको गंगा जमुनी तहजीब के प्रमाण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो मीरा सागर और राम सागर नाम के जो दो तालाब मैंने आपको दिखाए उनके बीच में बना हुआ है महारानी चंद्रकांता का महल, जिसको रंग महल नाम से भी जाना जाता है। तो इस किले के बाकी हिस्सों की तरह ही
ये हिस्सा भी आपको खंडहर के रूप में ही दिखाई देगा। यहाँ भी आप देखेंगे कि अंदर में झाड़ियाँ और पेड़ उग गए हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि न जाने कितने समय से यहाँ किसी भी तरह की कोई भी देखरेख नहीं की गई है। तो देखरेख के अभाव में ये ऐतिहासिक किला खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। तो अभी जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यही स्थिति कुछ और साल यहाँ पर रही तो वो दिन दूर नहीं है जब ये किला पूरी तरीके से खंडहर बन जाएगा। तो 1888 यानी कि 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता और उसी के आधार पर बनाए गए सीरियल चंद्रकांता की कहानी विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें कि दो प्रतिद्वंदी साम्राज्यों के बीच में एक प्रेम कहानी दिखाई गई है। यानी कि विजयगढ़ के राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी। क्रूर सिंह जो कि विजयगढ़ के राजा के दरबार में शामिल था, वो रानी चंद्रकांता को हासिल करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। जब क्रूर सिंह अपने इरादे को अंजाम नहीं दे पाया तो वो विजयगढ़ से चुनारगढ़ भाग गया और वहां जाकर उसने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह ने शिवदत्त से कहा कि उसको किसी भी तरीके से चंद्रकांता को हासिल करना है और फिर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया। रानी चंद्रकांता ने जब वहां से भागना चाहा तो उन्होंने अपने आप को एक तिलिस्म में कैद पाया। उसके बाद नौगढ़ के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह अय्यारों की मदद से शिवदत्त से लड़े और तिलिस्म को तोड़कर रानी चंद्रकांता को अपने साथ ले गए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि 1994 से लेकर 1996 तक यानी कि 1994 से 1996 तक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता सीरियल आज तक का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर हिंदी सीरियल्स में से एक है। तो आइए आपको ये रानी चंद्रकांता का महल नजदीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा आपको खंडहर ही दिखाई देगा। तो ये गेट्स देखिए आप, इनमें कितनी खूबसूरती से ये आर्च नुमा डिजाइन बनाया गया है और इनके ऊपर में फूलों की भी नक्काशी की गई है। तो यहाँ देखेंगे आपकी दीवारों में खाने बने हुए हैं जिनको कुछ सामान या फिर दीपक रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो यहाँ देखिए आप कि पेड़ों की जड़ें भी इस महल की दीवारों में घुस गई हैं। तो यहाँ चारों ही तरफ में ऐसे आर्च वाले गेट्स बनाए गए हैं और इनके पिलर्स पर भी देखिए आप कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो किसी जमाने में ये पिलर भी सही सलामत रहा होगा और इस महल के सारे कमरे भी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई दे रहा है। तो महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश शासन काल तक की कहानियों का साक्षी रहा है ये विजयगढ़ का किला, लेकिन इसकी देखरेख बिल्कुल ना के बराबर ही की गई है और इस किले को संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। तो यहाँ नीचे में देखिए आपको इस महल के कुछ टूटे हुए हिस्से भी दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ तो यहाँ होने वाले युद्धों के दौरान टूट गए होंगे और कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि अपने आप ही गिर गए होंगे। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस महल में कई मूर्तियां भी हुआ करती थी, लेकिन वो सभी यहाँ हुए आक्रमण के दौरान तहस नहस हो गई थी। तो यहाँ आप अंदर में देखेंगे कुछ इस तरह के कक्ष बने हुए हैं और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन इमारतों के दीवारों पर लिख कर इनको खराब ना करें, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं और आप इनको खराब नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं। तो ये था विजयगढ़ किले का प्रसिद्ध चंद्रकांता महल। तो आइए अब आपको इस किले में बनी बारादरी दिखाता हूँ। तो ये जो सामने में आप इमारत देख रहे हैं, ये किसी जमाने में बारादरी हुआ करती थी। इसके अंदर का हिस्सा भी आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देगा और यहाँ पूरे में झाड़ झंकार ही नजर आएंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे कक्ष भी बने हुए हैं जो राजा महाराजाओं के समय में इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो ये थी विजयगढ़ किले की बारादरी। तो आइए अब इस किले का मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट और उसी के पास में बनी कचहरी आपको दिखाता हूँ। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहीं से इस किले के मुख्य द्वार के लिए रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर घुसते ही आपको दोनों ही तरफ में काफी सारे पिलर्स दिखाई देंगे। तो ये जगह किसी जमाने में कचहरी हुआ करती थी और राजा महाराजा लोग इसी जगह पर आम लोगों की परेशानियां सुनकर न्याय किया करते थे। तो जैसा कि पहले भी कई इमारतों में मैंने आपको दीवाने आम और जनता दरबार दिखाया है, उसी तरीके से इस किले में ये कचहरी बनी है जहां पर राजा सही गलत का फैसला किया करते थे। तो एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किले के इस हिस्से में आना चाहते हैं तो आप दिन के समय में ही यहाँ पर आएं और कोशिश करिएगा कि आप किसी के साथ में ही यहाँ पर आएं, क्योंकि ये बहुत ही सुनसान सी जगह है और ऐसा हो सकता है कि हमारी ही तरह आपको यहाँ पर दूर दूर तक
कोई भी इंसान नजर ना आए। तो इस किले की एक खासियत ये भी बताई जाती है कि यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन उन गुफाओं तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है और किले का सारा खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छुपे होने की संभावना अक्सर जताई जाती है। खैर, आपने देखा होगा कि हमने जिस तरफ से किले में प्रवेश किया था उस तरफ की सीढ़ियां काफी अच्छी तरीके से बना दी गई हैं, लेकिन इस तरफ की हालत अभी भी काफी खराब है। तो चलिए आपको इस तरफ का भी रास्ता मैं दिखाता हूँ। तो हम अब इस किले के दूसरे छोर पर आ गए हैं और ये जो सामने में गेट आप देख रहे हैं ये है सिंह द्वार और ये इस किले का मेन गेट हुआ करता था और इसी के सामने में किले तक पहुंचने का रास्ता बना है जो आपको थोड़ी खराब अवस्था में दिखाई देगा। तो ये था किले के सामने का हिस्सा जो अब काफी कम इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आपको बाहर लेकर चलता हूं और यहां की कुछ और बची हुई इमारतें दिखाता हूं। तो यहां ये इमारत भी मुझे नजर आई लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। तो यहाँ पर अंदर में दो कमरे बने हुए हैं। पहला कमरा ये है जिसमें कि कई सारे खाने बने हुए हैं जो कि इसलिए बनाए जाते थे जिससे कि इनमें कुछ सामान या फिर मोमबत्तियां और दीपक वगैरह रख सकें। और ये सामने वाला जो खाना दिख रहा है आपको, इस तरह के खाने अधिकतर भगवान की मूर्ति रखने के लिए बनाए जाते थे। और ये है यहाँ बना दूसरा कमरा जिसमें दोनों ही तरफ में ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं। यहीं पास में आपको कई सारे स्तंभ दिखाई देंगे। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जमाने में यहाँ पर कुछ कक्ष बनाए गए होंगे जो बाद में खंडित हो गए होंगे, या फिर ये घोड़े बांधने का अस्तबल भी हो सकता है। कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्या हो सकता है। अगर आपको इस इमारत के बारे में कोई भी आइडिया हो कि ये क्या हो सकती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो विजयगढ़ किले के परिसर में दो यात्री शेड बने हुए हैं और मीरान शाह बाबा की मजार और हनुमान जी के मंदिर के पास छप्पर में लोग रुक सकते हैं, लेकिन जब बारिश और आंधी का समय होता है और यहाँ लोग ज्यादा आ जाते हैं तो परेशानी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि इस किले को एक अच्छे पर्यटन स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए सरकार द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए आज तक कुछ भी खास काम नहीं हुआ है। बस उन सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया था जिनसे हम ऊपर चढ़कर आए थे। यहाँ किले के परिसर में साफ सफाई की भी बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ पर चारों ही तरफ में आपको ऐसी झाड़ियाँ नजर आएंगी। साथ ही साथ यहाँ थोड़ी ही दूर पर बसे मऊ कला तक की सड़क को बेहतर तरीके से बनाकर पर्यटकों को यहाँ से जोड़ने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो अगर इस किले तक पहुँचने के लिए अच्छे रोड्स बना दिए जाएं, बेसिक सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट्स और पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाए, ऊपर आने के लिए रोप वे भी बना दिया जाए और यहाँ की देखरेख अच्छे से की जाए तो विजयगढ़ का ये किला सोनभद्र के पर्यटन की काया पलट कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसी इमारतों को देखना और इनके इतिहास को समझना चाहते हैं, लेकिन अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से उनका जुड़ाव यहाँ से नहीं हो पाता है। तो ये था सोनभद्र का विजयगढ़ फोर्ट और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।